الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة الجمعة चल रही थी और इसकी तीसरी आयत तक हम पहुंचे थे इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया दूसरी और तीसरी आयत दोनों बयान की गई थी कि अल्लाह ताली ने शाद फरमाया कि वो वही जात है जिसने उम्मी में यानी अनपढ़ों में से एक रसूल उन्हीं में से भेजा वो रसूल इन पर अल्लाह ताला की आयत को तिलावत फरमाता है और उन्हें पाकिज़ा करता है और उन्हें किताब और हमत सिखाता है अगरचे इससे पहले वो खुली गुमराही में थे यानी कुफ्र या शर्क में मुबतला थे और इन में से दूसरे भी के दूसरों को भी पाक करते हैं उन्हें भी इल्म सिखाते हैं जो इन अगलों से नहीं मिले नहीं इन सहाब कराम मुद्वान से नहीं मिले उनमें से ना हो सके वो या तो उसी ज़माने के वो अज़मी लोग हैं जो नबी करीम के पास ना आ सके थे और या इससे मुराद क़्यामत तक आने वाले दीगर तमाम मुसलमान हैं वहअल अजीज़ाल हकीम और वो गालिब हमत वाला है ज़ालिका फजल यती ही मैशा ये अल्लाह तबारक व तैयार का फ़ज़ल है वो जिसे चाहता है अता फ़रमा देता है ये अल्लाह का फ़जल है जिसको नबूत के लिए मनतखब फ़रमाए ये उसकी मर्जी है जहाँ मबास फ़रमाए उसकी मर्जी है और फिर उससे जो काम लेकर उस पर उसको कमालत और फ़ाइल से नवाज दे ये उसकी मर्जी है वल्लुलफ़लम और अल्लाह ताली बड़े फ़जल वाला है बहुत बड़ा फ़ल फरमाता है लिहाजा जब अल्लाह ताला बड़े फ़जल वाला है तो उसकी ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए अब इससे अगली आयत में अल्लाह तबारक व ताली ने यहूद की मजम्मत फरमाई यहूद को अल्लाह तबारक व ताली ने तौरत अता फरमाई इन्होंने तौरत को हासिल तो किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया उसमें तहरीफात के मरतकब हुए तो अल्लाह ताली ने इनकी एक ऐसी मिसाल बयान फरमाई जो यकीन उनके कुलूब को नागवार गुजरी लेकिन इसमें इशारा फरमाया कि जो अल्लाह तबारक वाले की नियमत को हासिल करने के बाद उसकी कदर ना करे उसका उसका हाल यही होना चाहिए उसको इसी तरीक़े से मतलब ज़दोक़ोब करना चाहिए अलफा की सूरत में या इसी तरीक़े से उसकी ख़ातिर तोज़ु होनी चाहिए क्योंकि वह बहुत बड़ा नाशुक्रा है तो इशारा फरमाया कि मसलुल्लीना उन लोगों की मिसाल हम मिलो तौराता कि जिन पर तौरात रखी गई यानी जिनको तौरात अता की गई यानी यहूद सुहमिलूह फिर उन्होंने उसकी हुक्म बर्दारी ना की यानी उसकी इताअत ना की उस पर अमल ना किया का हिमार, तो उनकी मिसाल गधे की तरह है यह असफारन के जो पीठ पर किताबें उठाए तो अगर गधे के ऊपर आप बहुत सारी किताबें लाद दें और एक से एक हिकमत वाली किताब हो तो गधे को क्या फ़ायदा हासिल होगा तो जो शख्स इल्म सीखे लेकिन उसके तकाज़े के मुआफिक अमल करके बरक़ात हासिल ना करे उसकी मिसाल फिर गधे की तरह है तो अल्लाह ताला ने इस मिसाल को बयान फरमा के खुद फरमाया कि बसा मसलीन कस जबू बयात ला ये क्या ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताल की आयतें झुटलाईं दिल कौम और अल्लाह तला ालिमों को राह नहीं देता उनको हिदायत था, नहीं फरमाता यानी हिदायत हदायत फरमाता से बुरा दिए कि अव्वलन ही ऐसी बात नहीं है अल्लाह ताला बड़े हिदायत के दरवाज़े खोलता है लेकिन जब कोई शख्स बदबकती पर मुसर हो जाए तो फिर उससे अल्लाह ताला अल्ला गैबी इमदाद के दरवाज़े हटा देता है ग़ैबी इमदाद को खत्म बंद फरमा देता है तो मालूम ये हुआ कि जिसको जो नमत मिले उसे चाहिए उसकी कदर करे और खसूसा इल्म जिसको हासिल उसके तकाज़े के मौफ़ अमल करे वरना वो बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसी होगी जैसे गधे पे किताबें लाद दें तो कोई फ़ायदा ना हो तो मादरत के साथ बहुत ही मादरत के साथ ये जो आजकल हमारे यहाँ बच्चों को हाफिज बनाने की दौड़ में हम लोग शामिल हो गए हैं इनमें सबसे पहले तो ये कि मालदे अपना बस कल भी सुकून और अपनी एक मर्ज़ी की तकमील चाहते हैं जी मैं तो अपने बच्चों को हाफ़ कुरान बनाऊँगा हमारी ख्वाहिश ये है कि हम तो आप अपनी ख्वाहिश के लिए एक बच्चे को मशक्क़त में मुबला कर रहे हैं उसकी मर्ज़ी भी तो मालूम करें कि वो तैयार है कि नहीं है ज़बरदस्ती एक तो अपने शौक़ की तकमील के लिए बच्चों को हाफिज़ बनाया जाता है दूसरी बात यह कि बाज़ अवतारत तफाखर और तफाखुर के लिए होता है हम अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएंगे ताकि पूरे ख़ानदान में वाह वाह हो जाए कि जी फलाँ के बच्चा हाफ़िज़ है या तकबुल के तौर पर होता है अच्छा मामू के बेटा हाफ़िज़ हो गया तो मेरा बेटा हाफ़िज़ क्यों नहीं होगा हमारा भी होना चाहिए इन छोटे छोटे बच्चों की सी ख्वाहिशात को लेकर इंसान हफ् कुरान करवाता है और इसके बाद तरबियत का फ़ुकदान वो हाफिज़ साहब ने कुरान तो याद कर लिया अब उसके तकाज़े के मुआकमल ही नहीं करते हैं बेअमल ना दाढ़ी रखने की तौफीक है ना नमाज़ें पढ़ने की तौफीक है फिल्में ड्रामे बदनिगाहियाँ चल रही हैं हाफिज़ कुरान बने हुए हैं और ये समझते हैं कि शायद सिर्फ़ हफ् कुरान से मुझे कोई मकाम व मरतबा हासिल हो जाएगा ऐसा नहीं है ये हदीस पाक जो बाद बयान करके एक हाफिज़ कुरान साहब खुश फहमी में मुबला होते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने शाद फरमाया कि जिस जो जिसने कुरान को हिफ़ किया वो बरोज़ क़्यामत अपने ख़ानदान में से दस ऐसे अफराद की शफात करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है तो कहते हैं देखो हमारा कितना मकाम व मरतबा होगा मादरत के साथ ये पूरी हदीस बयान नहीं करते इसमें कुछ और हिस्सा भी है नबी करीम ने शाद फरमाया कि जिसने कुरान को हिफ़ किया फिर उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना वो अपने ख़ानदान में सदा से ऐसे अफराद की शफायत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब है हलाल को हलाल जानने हराम को हराम जानने का मतलब पहले उनका इल्म सीखना और फिर उसके तकाज़े के मुआफ़ अमल करना तो बामल हाफिज़ कुरान की फ़जीलत है बेअमल हाफिज कुरान की नहीं उसकी मिसाल तो खुदा ना खास्ता बिल्कुल यही बन जाएगी कि गधे की तरह है कि बोझ उठा लिए किताबों का लेकिन ख़ुद गधे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसलिए मैं इसको यकसर ये तो नहीं कहूँगा कि जिसने कुरान हिफ किया बिल्कुल बेकार है वो बिल्कुल सवाब भी है सवाब उनको मेहनत का ज़रूर मिलेगा और बायस फजीलत भी है कि अल्लाह ने एक फजीलत उनको आता फ़रमाई लेकिन क्या उसने खुद उस फजीलत की कदर की और उस फजीलत के हासिल होने के बाद जरिए तकाजे थे वो पूरे किए अगर नहीं किए तो फिर ये काबिल गरीफ थे इसको सज़ा मिलेगी इस पर तोज् करें इस इस किस्म के अल्फाजाफाज कराम को और उनके करीब रहने वाले अफरा को बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम खुशफहमी की दुनिया में रहें चाहे हम कितनी ख़तें और गुनाह करते रहें सिर्फ़ हमारे हिफ कुरान को बुनियाद बनाकर हमारे लिए ताज़ीमी क़लिमात कहे जाएँ हमें इज़्ज़त के मकाम पर बिठाया जाए और ये किया जाए और वो किया जाए खुद सोचिए कि जब खुद इंसान बेमली की तरफ़ माइल हो तो अल्लाह ताली उसके रसूल की निगाहों में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं कोई वैल्यू नहीं अल्लाह ने फरमाया इन न आखरों माखों बेशक तुम्हारे बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा तकवा परहेजगारी वाला है मायार कुरान का हिफ्ज़ नहीं अल्लाह की बारगाह में दर्जात की बुलंदी के लिए तकवा परजगारी है तो जो हाफिज़ कुरान कुरान हिफ्ज़ करके उसके तकाज़े के मुआफ़ अमल करेगा वो दर्जात पाएगा और जिसने कुरान को हिफ्ज़ करने के बाद उसको बदनाम किया कि इस तरह बेमली का मुजाहरा किया कि लोगों ने कहा यही होते हैं हाफिज़ कुरान तो फिर वो याद रखें वो तो ग्रिफ़ के लिए तैयार हो जाए उसे तो आख़रत में सख्त सज़ा मिलेगी कि उसने अल्लाह की समानत को ज़ाया क्यों किया कि समानत के अहतराम क्यों नहीं किया उसने इसके तकादे के मुआफ़ अमल क्यों नहीं किया इसलिए हम यही समझाते हैं कि पहले बच्चे का जहन देखें कि वह हिफ़् क़ुरान के लिए तैयार है कि नहीं अगर नहीं होगा तो आप सिखा देंगे वो ज़बरदस्ती सीख लेगा पढ़ भी लेगा याद कर लेगा फिर सब भूल भाल जाएगा इसलिए उसकी तबियत उसके मुआफ़ नहीं है और फिर जब आप उसको हिस्स करवा देते हैं तो उसको फिर जहन बनाएं उसकी तरबियत भी करें ताकि उस हिस्स को कायम रखें नबी करीम खुद कुरान भी इसको बयान फरमाता है दोनों के मफहो यही हैं कि जो कुरान पढ़कर भूल जाए तो अल्लाह ताला उसे बरोज़ क्यामत अंधा उठाएगा तो इसके कई मफ़ूम बयान किए हैं कुरान पढ़कर भूल जाए यानी उसके तकादे के मुआफ़ अमल ना करे ये वहीद उसके लिए भी है और ये भी कहा कि आम माना रखें कि कुरान की कोई आयत पढ़ी सूरत याद की और भूल गए उसके साथ भी ऐसे ही होगा तो अगर ये दोनों ही मफहो आप ले लीजिए तो हाफिज़ कुरान आप अक्सर आपको ऐसे मिलेंगे कि याद किया कि भूल भाल गया अक्सर ऐसे मिलते हैं जो कुरान सुनाते हैं या मंजिल पक्की करते रहते हैं तो बच जाते हैं वरना आम घरानों में हमने यही देखा है कि बस अपना शौक़ पूरा किया वाले दिन जी माशा हाफ़िज़ कुरान हो गया इसके बाद क्या हुआ बस गया बच्चा हाथ से क़ुरान भूल गया और फिर उसके तकादे के मुआफ़ अमल भी नहीं तो इसका मतलब है कि मादल्ला सु मादल्ला अगर हम इन वैदात को देखें तो ये तो अंधा उठाया जाएगा इसलिए तवज्जो करनी चाहिए और अपने शौक की तकमील के लिए बच्चों को कुर्बानी का बकरा ना बनाएं उनको पहले देखें उनका मूड है उनका जहन है तब हिफ़्स करवाएं वरना हिफ़ कोई फिर नफसी कमाल की बात इस अंदाज से नहीं है कि इससे शायद को दीन को तकवीत मिलेगी दीन को क्या तकवियत इससे सिर्फ हाफिज़ के ज़ात को फ़ायदा पहुँचे तो पहुँचे इससे बेहतर यह है मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिफ् कुरान करवाएँ नहीं ज़रूर करवाएं लेकिन बच्चे के रुझान के साथ अगर रुझान नहीं है तो हिफ्ज कुरान ज़बरदस्ती ना करवाएँ बल्कि उसको फ़र्ज़ उलूम सिखाइए और बच्चियों के सिलसिले में तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बच्चियों को हाफिज़ा ना ही बनाया जाए तो बहुत बेहतर है क्योंकि जब तक बच्ची अपने घर में रहती है वो हिफ्ज़ कुरान की हिफाजत कर सकती है और जब वो शादी होकर ससुराल जाती है तो हम मेरा ख़ुद ये मुशाह है मुफ्ती होने की हैसियत से जो लोगों के केसेस हमारे सामने आते हैं हज़ार हजार लोग हमसे रुजू करते हैं तो उसमें तकरीबन नवे फ़ीसद ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो वहाँ के हालात से मजबूर होकर कुरान उठा भी नहीं सकती हैं टाइम ही नहीं मिलता घर की खिदमत, लड़ाई झगड़े फिर बच्चे हो गए तो फिर उनकी फ़िक्र उनको पालने की फ़िक्रें कब कुरान पढ़ें कब हिफ़् करें कब याद करें तो माँ मा बाप बड़े खुश थे जी हमने अपने बच्ची को हाफिज़ा बना दिया आपने हाफिज़ा बना के बच्ची को आजमाइश में मुबतला फरमा दिया क्या बच्ची को आपने ये भी सिखाया कि इसके हिफ़्स के तकाज़े कैसे पूरे करने होंगे और बाद में हिफ़्स की हिफाजत कैसे होगी ये बड़ा अलमिया है कि माँ बाप बन तो इंसान जाता है लेकिन हकीकी माँ बाप जो अच्छे माँ बाप है वो बनना यानी माँ बाप हो जाना एक अलग चीज़ है और माँ बाप बनना ये एक अलग चीज़ है हो जाते हैं क्योंकि शादी हो गई माँ बाप हो गए लेकिन क्या माँ बाप बने भी आप अच्छे ये बड़ा मसला है छोटे छोटे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बच्चों को अक्सर आजमाइश में डाला जाता है और फिर उसका वो अंजाम होता है कि अलमान वाल हफीज़ लिहाजा माजरत के साथ कोई हाफिज़ साहब बुरा भी ना माने कि आपने अगर कुरान पाक हिफ़्स किया और उसके तकाज़े के मुताबिक अमल नहीं कर रहे या आप कुरान पढ़ कर याद करके भूल चुके हैं तो खुशफहमी में मुबला होने की हरगिज हाजत नहीं है आप कोई ऐसी आयत कोई ऐसी हदीस हमें ला के बता दें जिसमें अल्लाह ताला ने या नबी करीम अलैहि वसल्लम ने एक बेअमल हाफिज़ कुरान के लिए भी कोई फ़जाइल बयान किए हों सिर्फ़ बा हाफिज़ कुरान के लिए फ़जिलत है तो ये नहीं किरन का हिस्स छोड़ दिया जाए बल्कि तरक्की की तरफ़ आएँ कुरान याद करें उसके तकाज़े के मुआफ़ अमल करने की कोशिश करें और एक हाफिज़ कुरान के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह एक आलिम अपने वक़ार इल्म को हमेशा मलहूज़ रखता है और रखना चाहिए इसी तरह हाफिज़ को अपने वक़ार हिफ़्ज़ को मलहूज़ रखना चाहिए निजी महाफ़िल के अंदर उठ पटांग हरकतें करना लतीीफ़े सुनाना गंदी बातें करना फ़ोज दोस्त बनाना ये हाफ कुरान के, के शायन शान नहीं है आपके सीने में अल्लाह ताली ने अपना कलाम अपना मफहूम रख दिया है तकरीबन छः हज़ार छः सौ छियासठ आयात अपने सीने में महफूज की हैं और फिर ऐसे गंदे मकाम पर बैठना गंदे मकामात पे जाना गंदी सोच रखना ये कतायन गैर मुनासिब है तलबा को सिर्फ़ ज़ाहरी किताबें पढ़ा दी जाती हैं बातनीलूम तो पढ़ाए नहीं जाते हैं बातनी गुनाहों की मारफ़त तो अक्सर नहीं होती है और अमल का बेअमल इंतहाई ज़्यादा अमल का इंतहाई फ़ुकदान होता है कोई तोज्ह नहीं नमाज़े तक छोड़ देते हैं दाढ़ियाँ खशखशी करवाना दाढ़ियाँ मंडवा देना गालियाँ पकना बहुत से तलबा गा गाने वगैरह सुनने की तरफ़ मायल हो जाते हैं मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ अलहमदिल्ला बामल और मतख रजगार भी होते हैं तरबियत पर तोज् करनी चाहिए लिहाजा सिर्फ सनद से कोई आलिम नहीं बनेगा आलिम वसफ इल्म से बनता है और फिर बामल अमल की दौलत से बनता है लिहाजा अगर कोई तालब इल्म किताबें ख़त्म करता जाए उसके तकाजे के मुआफ़ी अमल ना करे अपनी तरबियत ना करे अपना एहतसाब ना करे अपना तजकिया ना करे तो उसकी मिसाल भी फिर यही दी जाएगी कि वो गधे की तरह है जिस पर किताबें लाद दी गई लेकिन खुद उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और अदीस करीमा में नााहल को इल्म देने की मिसालें बयान की गई है जैसे सुअर के गले में मोती का हार पहना देना सुअर के गले में मोतियों का हार डाल देना तो सुअर क्या फ़ायदा हासिल करेगा और ये इतना बुरा इसको बयान किया गया कि जो इल्म सीखे और फिर उसके तकाज़े के मुआफ़ अमल ना करे या दीन को सीख कर उससे दुनिया कमाने का जरिया और वसीला बना ले ये लालच उसके दिल में हो कि इल्म सीख लूँ उसके ज़रिए दुनिया कमाऊँगा तो इतनी मतलब ऐसी मिसाल उसके लिए बयान की गई है जो नफ़्स पे इंतहाई या कल पे इंतहा नागवार गुजरे कि वो एक ऐसे सुअर की मिसल है जिसे मोती का हार पहना दिया गया हो लिहाजा कोशिश यही करनी चाहिए कि इलमें दिन की तरफ ज़रूर माइल हों और उसके तकाज़ों के मुआफ़ अमल करने का जहन भी बनाएँ फिर इनशा नूर अला नूर होगा वाहमी और अल्लाह तालम कौम को हिदायत अता नहीं फरमाता कुलिया हादु. अब अल्लाह तबारक व ताली ने एक इंतहा गैबी ख़बर दी है इस पर ज़रूर तवज्जो फरमाए कि नबी करीमिल के दौर के यहूदी ये कहा करते थे कि हम अल्लाह के प्यारे हैं नजात सिर्फ़ हमें मिलेगी जन्नत में सिर्फ हम जाएँगे और बाद तो कहते थे हम अल्लाह के बेटे हैं तो वो कहते थे कि हम बस नजात याफ्तें हैं हम अल्लाह के दोस्त हैं वाक़ सब के सब ये गलत लोग हैं अल्लाह तुम में फासिद का पर्दा चाक कर दिया और इन और रस्वा किया इस आयत के ज़रिए और वाज कर दिया और ऐसी दलील फराहम की कि जिस दलील को ये रद्द नहीं कर सके और ऐसा मतलब लाजवाब अल्लाह तक महासबा फरमाया तो ये तोज्जो करनी चाहिए कि सही मजहब अब इस्लाम ही है मुसलमान ही सही मजहब हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो अल्लाह ने कुरान हम तक पहुँचाया उसमें यह पर्दा चाक कर दिया गया कि अब और किसी मज़हब के दुरुस्त होने की इस्लाम के मुकाबले में गुंजाइश नहीं हो सकती है मतलब ये कि जब वो उस दौर में था और अपने सही शक्ल में था तो हम उसको ज़रूर दुरुस्त करार देंगे कि अल्लाह ताल का एक दीन था लेकिन जब नबी करीम सल वम दुनिया में तशफ ले आए तो अब दीन की और मज़हब की दुरुस्तगी का ताल्लुक़ नबी करीम के बताए हुए अकायद और आपके तरीक़ों को तस्लीम करना फिर उनके तकात के मुआफ़ अमल करने पर मौक़ूफ़ है वन नजात नहीं हो सकती है तो शायद फरमाया कलिया एय लजी कल्याय लजीना हादू ए हबीब करीम आप फरमाइए कि ए वो लोग जो यहूदी हुए यानी अ यहूद इन जाम तुम अगर तुम गुमान करते हो अन्ना अलिया उन्दून नास कि तुम लोगों तमाम लोगों के को हटा कर, तमाम लोगों के अलावा बस तुम ही अल्लाह ताला के दोस्त हो फुलमाऊता तो तुम मौत की तमन्ना करो इनकन तुम सौदीन अगर तुम सच्चे हो तो इशारा फरमा दिया कि इनकी दिलों में कजी है खोट है ये खुद अपने आप को गलत मानते हैं कि हम गलती पर हैं लेकिन एक अनानियत है दुनियावी परस्ती है जो इन पर गालिब आगर नबी के नबी को नबी तस्लीम नहीं कर रहे हैं तो अगर मौत की तमन्ना करके दिखाएं क्योंकि इनको पता है कि मरने के बाद हमारा अंजाम अल्लाह ताला के नज़दीक बुरा होगा क्योंकि हमारी किताबों में इस आखिरी नबी के बारे में ख़बरें दे दी गई हैं तो हमें तस्लीम करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं जाहिर में बोलते हैं हम हक पर हैं लेकिन दिल में तो एक सच्चाई की शमा रोशन है ना कि भाई वो जो ज़मीर मलामत कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो गलत बात को क्यों इतना आम करते हो और क्यों उस पर डट गए हो कुछ खुदा का खौफ करो लेकिन वो ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया जाता है कुचल दिया जाता है तो फिर मौत की तमन्ना तो करके बताएं फरमाया नहीं करेंगे लिहाजा कदमत दिम और ये हरगिज़ कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे उन अमाल की बिना पर जो इनके हाथों ने आगे भेज दिया इस पर इन शह मजिद का होगा अगले प्रोग्राम में वाखराना अनिलहमद रब